वेलकम गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं जस्ट एक ताम को एंजॉय करने के लिए। तो देखें, आपको हम दिखाते हैं यहाँ बगल से लोग अपने अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने पास नहीं लिए हैं वो पास खरीद रहे हैं। और सामने जश्न एकता की सजावट हुई है, आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर प्यारा नज़ारा है। और लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। और अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जश्न एकता की अंदर एंट्री गेट में हमें प्रवेश कर रहे हैं। और भी हमारे साथ कई लोग हैं जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जश्न एकता को सुनने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर पुरानी शायर कर रहे हैं एवं शायरी एवं जश्न एकता के बारे में बताया जाता है। और अब हम ये देख सकते हैं यहाँ गोल्डन पास प्रीमियम और तीन तरह के प्लेटिनियम, जो तीन तरह के पास हैं इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो पास है अब हमें पास मिल चुका है। और आप हमारे लिए बताएं, आपको हमारे हाथ में ये बैंड हमें मिला है, जो कि ये प्रूफ है कि हमने पास खरीदा है। और हम इसके बाद गेट के अंदर एंट्री करेंगे, जाएंगे अंदर की तरफ और अंदर का नज़ारा एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सभी तरह की जो बुक्स हैं उनका स्टॉल लगा हुआ है, जो कि साहित्यिक बुक्स हैं उनका स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। बहुत से स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बुकों को देख रहे हैं और जो लोग बुक लेने में इंटरेस्टेड हैं वो बुक्स को ख़रीद रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर नई नई बुकों को देख रहे हैं। और कुछ बुक्स यहाँ पर शेर और शायरियाँ वाले भी हैं, जो कि लोग पढ़ना पसंद करते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। और अब हमें अंदर ये बुक मिल चुकी है, इसमें इसका सारा शेड्यूल रखा हुआ है, कब किस टाइम पे किस तरह की प्रोग्राम होगा वो सब इसमें शेड्यूल वाइज दिया गया है। और अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पर जावेद अख्तर जी का एक लगा हुआ है बैनर, देखता कलम तोटाते हुए। कुछ अंदर से ऐसा नज़ारा है जस्ट एक एकता का, कितनी अच्छी डेकोरेशन यहाँ पर की गई है, देख सकते हैं आप, जस्ट एक एकता। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जस्ट एक एकता के अंदर जावेद अख्तर जी जो मशहूर कलाकार हैं वो यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं अपना, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जावेद अख्तर जी हमारे पीछे हैं। और भी बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर आई हुई हैं इंटरव्यू देने के लिए, और यहां पर वो कुछ शायरी भी करेंगे क्योंकि उनका प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और बहुत ही ज़्यादा लोग यहां पर इंजॉय करने के लिए आए हैं, ना केवल भारत से बल्कि अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए और शायरी इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। स्क्रिप्ट तो लैंग्वेज नहीं है, यहाँ फिल्मों के पोस्टर देखते हैं, KUCH HOTA HAI कुछ कुछ होता है, तो ये स्क्रिप्ट तो इंग्लिश में लिखी है, तो क्या ये अंग्रेजी हो रही है? नहीं, तो स्क्रिप्ट जबान नहीं है, तो क्या वोकैबुलरी जबान?
मैं ये कहूं ये ग्रेट फेस्ट। और अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं जहां पर और एक प्रोग्राम चल रहा है। यहां पर अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं हर जगह। अब हम दूसरी जगह आपको दिखाते हैं कि क्या प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर ऑडियंस बहुत ही अच्छी संख्या में बैठी हुई है, तो देखते हैं। ये चल रही हैं शायरियाँ, बहुत ही आनंदित यहाँ पर माहौल बना हुआ है और शायर लोग भी यहाँ पर शायरियाँ सुनने के लिए आते हैं। अब आपको शायरियों का आनंद दिलाते हैं, देखें आप। अचानक जो बदल जाते हो इतने चेहरे कहाँ से लाते हो, तुम अचानक जो बदल जाते हो इतने चेहरे कहाँ से लाते हो, और दिल मिलाना नहीं है जब हमसे, दिल मिलाना नहीं है जब हमसे, खामखा हाथ क्यों मिलाते हो। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत ही राज साहब का अंदाज। सुनिएगा लड़कों, खास तौर से मैं भी और एक बेटा हो गया, उसकी शादी हो चुकी और एक बेटा हो गया। मायूसी हटाने के लिए पड़ रहा है, मायूसी हटाने के लिए पड़ रहा हूँ। देखिए सब तालियां बज रही ना खुशी से, ये खुशी वाली मायूसी है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर किताबों का प्रदर्शनी लगी हुई है, देख सकते हैं किताबें।